प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। बढ़ती कीमतों में आज सीएनजी ने भी बहुत बड़ी उछाल मारी है। जैसा कि 8.30 रुपये सीएनजी प्रति किलो के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में हम बात करेंगे कुछ जो ओला से और इस तरह कर्मचारी हैं जो गाड़ी चलाते हैं, उनसे बात करेंगे कि ये बढ़ती हुई कीमत किसके जेब पर भारी पड़ने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश शुक्ला है। ऑटो चलाते हैं जी। जैसा कि सीएनजी आज 8.30 रुपये प्रति किलो बढ़ गया जी, तो ऐसे में वो किस पर असर करेगा, आपके जेब पर या जो बैठेगा उस पर? वो देखिए सर, जेब हर सबकी जेब पे असर पड़ेगा। पब्लिक को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। हालांकि अभी किराया बढ़ने का कोई वो नहीं है, चांस नहीं है। और जो जाएगा अभी हम लोगों की जेब से जाएगा। हाँ, अभी तो RTO ने किराया बढ़ाया नहीं है जी, तो अभी आपके जेब से पूरा जाना जी, जब तक किराया न बढ़े जी। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे इस सरकार के ऊपर जो बढ़ती कीमतें हैं? अब हम अकेले क्या कह सकते हैं, जो पड़ेगा वो झेलना है सर, क्या करें बताइए। सीएनजी महंगा हो गया? हाँ, महंगा हो गया। कितना? 80 रुपये। 8.30 रुपये। हाँ, 30 पैसे। तो अब ये कौन झेलेगा, बैठने वाला कस्टमर, पैसेंजर या तुम? पैसेंजर से पैसा मांगते, पैसा देता नहीं। पैसेंजर कहता है इतने महंगा है, आप जो सवारी हो वो पैसा लो, पैसा हम बढ़ा के क्यों दे, पैसा देते नहीं सवारी। तो इसका रेट कौन बढ़ाएगा? अब RTO तो बढ़ेगा रेट इसका। RTO साहब जाने, इसको बढ़ाए रेट, तब तक कौन झेलेगा? अब तब तक तो परेशानी तो भैया है, तो झेलना है। और एक एक दो दो रुपये के चक्कर में कस्टमर मार कर लेता है, लड़ाई हो जाती है कस्टमर से। कस्टमर देना नहीं चाहता पैसा ही, लड़ाई हो जाती है कस्टमर से, क्या कहा जाए। आप ये सर्विस देते हैं पब्लिक को, CNG का रेट बढ़ गया पता? CNG का आज सुबह ही पता चल गया था, जब डलवाने गए थे तभी पता चला। तो वो किसके जेब पे भारी पड़ेगा, आपके या पैसेंजर के? पैसेंजर के पड़ेगा, और क्या। पैसेंजर के कैसे जेब में भारी पड़ेगा भाई? अगर रेट बढ़ेगा तो किराया तो बढ़ेगा ही। आप अपने से रेट बढ़ा देंगे? नहीं, हम क्यों बढ़ाएंगे, जो कंपनी के थ्रू चल रहे हैं, ओला के थ्रू हम लोग चलते हैं। तो ओला ने रेट बढ़ाया है? अभी तो नहीं बढ़ाया, आज ही तो रेट बढ़ा हुआ है, आज ही तो पता चला। नहीं बढ़ेगा तब तक कौन झेलेगा? हम ही लोग झेलेंगे, और कौन झेलेगा सर। कस्टमर तो बढ़ा के नहीं ले सकते हैं? नहीं नहीं, वो हम कैसे ले सकते हैं, वो जो पेडिंग वो दिखाते हैं वही हम पेमेंट उठाते हैं। बाकी अपने प्राइवेट में अगर कोई कितना साल से गाड़ी चला रहे हैं? हमें हो गया 97 से चला रहा हूँ मैं। CNG कब से चला रहे हैं? CNG 5 साल से। 5 साल पहले जब आप CNG चला रहे थे, उस समय CNG कितने किलो था? उसमें 47 रुपये कुछ पैसे थे। तो 47 और आज के डेट में 80 रुपये 80 पैसे हो गए। हाँ तो आदेश ज़्यादा हो गया, 5 साल में बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। लेकिन क्या करें, मजबूरी अपने हाथ में तो है नहीं कुछ, जो सरकार करेगी वही हम लोग करेंगे भाई। सरकार बनाने वाले तो आप हैं। अब देखिए, एक वो होता है कि हाँ बैठाते हैं सीट पे कि हाँ अब फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अब फ़ायदा क्या, वो तो ऐसे ही चल रहा है सब, जैसे जैसे चल रहा है। CNG महंगा हो गया? हाँ महंगा हो गया। कितना? 6 रुपये महंगा हो गया। 8.30 रुपये। 8.30 रुपये। आपको नहीं पता 8.30 रुपये? इसने बता रहे थे, अभी हमने देखा ही नहीं, अभी देखेंगे। तो अब ये महंगाई कौन झेलेगा, आप झेलेंगे या बैठने वाला पैसेंजर? हम ही झेलेंगे, बैठने वाला कहाँ झेलेगा। जब रेट ही नहीं बढ़ेंगे तो कहाँ से झेलेगा। अच्छा, जब रेट बढ़ेंगे तभी तो झेलेगा ना। मतलब आप कंपनी से जुड़े हैं, तो कंपनी जब रेट बढ़ाएगी तभी आपको फायदा होगा। जी जी। तब तक आपका नुकसान? तब तक हम ही झेल रहे हैं नुकसान। क्या कहना चाहेंगे इस पर, किसके वजह से नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है? अब किसको बताएं हम, किसी को दोषी मानते हैं आप? किसी को नहीं मानते हैं, क्या करें, जब रेट ही जो बढ़ा ही रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। रेट बढ़ाने वाला तो दोषी है। हाँ वही दोषी है बस। कौन है जो भी रेट बढ़ा रहा होगा, वही दोषी है, और क्या करें। अरे भारी पड़ेगा ये, क्यों पैसेंजर से बढ़ा नहीं सकते? नहीं बढ़ा नहीं सकते अभी। क्यों? क्योंकि अभी रेट हम लोग को आया ही नहीं। अच्छा, RTO जब रेट देगा तब हम लोग बढ़ाएंगे, इसके पहले बढ़ा ही नहीं सकते हम लोग। तब तक नुकसान आपका? हाँ नुकसान हमारा है। तो इस पर कहना चाहेंगे, ये नुकसान कैसे हुआ, कौन कर रहा है, क्या होगा? ये कौन करता है भाई, जो बढ़ा रहा है सरकार, बढ़ा रही थी सरकार, नुकसान कर रही है हम लोग का। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? 15 साल। CNG कम से कम हो गया होगा 12-13 साल।
12-13 साल से सत्रह रुपए कुछ पैसे थी तब लखनऊ में, तब से मैं सीएनजी चला रहा हूँ। मतलब 10 साल पहले मैं चौबीस घंटे लखनऊ में लाइन लगा थे। 10 साल में ये चौगुना पाँच गुना हो गया। हाँ 17 रुपए कुछ पैसे है आज, 80 पैसे हो गया। तो इतनी बढ़ोतरी अब क्या बताया जाइए, गवर्नमेंट का ही हमारे हाथ में तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट जो करेगी वही होगा। झेलना तो आप झेलना हमको है, क्या किया जाए, मजबूरी है। आपने सुना हमारे साथ कुछ ऑटो चालकों ने बात की और कुछ ओला से और भी कंपनियां हैं उन जैसे उनसे जुड़े हुए जो फोर व्हीलर चलाते हैं उनसे भी बात हुई। हर चालक यही बोल रहा है कि ये कहीं ना कहीं झेलना तो हमको पड़ेगा, क्योंकि ओला और कंपनियों से जुड़े हुए लोग जब तक कंपनी रेट नहीं बढ़ाएगी तब तक वो बढ़ा नहीं सकते। और ऑटो चालकों का कहना है कि यदि हम बढ़ा कर मांगते हैं तो कस्टमर से हमारे झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमको जो निर्धारित रेट दिया गया उसमें अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मिला जुला कर चालकों को ही झेलना पड़ा है, ये उन्हीं के जेब में भारी पड़ेगा। और आज पहली बार कितने दिन बाद महंगा हुआ है ये लमसम महंगा हो, दो साल के बाद एक महीने पहले कुछ पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इतनी लंबी उछाल मार के डायरेक्ट ये 8.30 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि सारे चालक बहुत बेहाल हैं, गर्मी के दिन है और ऐसे में गर्मी को और बढ़ा दिया गया है इनके लिए। बने रहिए प्रभात खबर के साथ, मैं लखनऊ से अजय सिंह। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।